हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के स्वच्छ शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान की यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना, और कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल, क्योंकि एक बच्चे ने अभी परसों ही मुझसे ये कमेंट करके बोला था कि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना कौशल दिखाइए सर। तो उस बच्चे की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई जा रही है, तो देख लीजिए एक से दो दिन के अंदर मैं वीडियो बना देता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको भी कोई वीडियो बनवानी है तो नीचे कमेंट करिएगा, एक से दो दिन के अंदर कोशिश रहेगी। अगर पहले से काफ़ी वीडियोज़ की डिमांड नहीं रहेगी तो मैं एक से दो दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा कार्य अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना। सबसे ऊपर आपको लिखना होता है, जैसे सूक्ष्म शिक्षण लिख लीजिए या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना लिख दीजिए, जो भी आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए कहें। दोनों चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती हैं, एक चीज़ लिखना है आपको, या तो सूक्ष्म पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म शिक्षण। अब इसमें एक चीज़ देखिए लिखा गया है शिक्षण और पुनः शिक्षण। तो यहाँ पर सूक्ष्म पाठ्य योजना दो बार कराई जाती है, एक ही सूक्ष्म पाठ्य योजना जैसे प्रस्तावना कौशल की आज की वीडियो है, ये सूक्ष्म पाठ्य योजना आपको दो बार करनी होती है। एक बार शिक्षण करना होता है, उसमें कुछ कमियाँ होती हैं तो फिर से आपको पुनः शिक्षण कराया जाता है। कमियाँ हो चाहे ना हो, कुछ न कुछ सुधार आपको करके पुनः शिक्षण कराया ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको कॉलम बॉक्स बनाने, जैसे दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय सामाजिक विज्ञान का है, सामाजिक लिखा गया, सामाजिक विज्ञान लिख लीजिएगा। प्रकरण है सिंचाई विधियाँ, और हमारा जो यहाँ पे कौशल का नाम मैं पहले बता चुका हूँ, प्रस्तावना कौशल है, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्किल्स को इंग्लिश में कहते हैं। अब आता है यहाँ पे घटक। काफ़ी बच्चों को घटक में प्रॉब्लम होती है सूक्ष्म पाठ्य योजना, क्योंकि सूक्ष्म पाठ्य योजना ही ऐसा होता है जब आप बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको सूक्ष्म पाठ्य योजना ही करने के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ सूक्ष्म पाठ्य योजना आपको लिख के ले आना है। और ज़्यादातर टीचर्स बस हल्का हल्का बता देते हैं, डिटेल में नहीं बताते हैं, आपको खुद से यहाँ पे देखना होता है, करना होता है। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि घटक क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं नीचे कॉलम में, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो घटक देखिए क्या होता है कि सूक्ष्म पाठ्य योजना आपको पता है कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल आज का है, व्याख्या कौशल है, श्यामपट कौशल है, उद्देश्य लेखन कौशल जिसको कहते हैं, और पुनर्बलन कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। इसी तरीके से होते हैं आपके सूक्ष्म पाठ्य योजना के कई प्रकार, और सभी कौशलों का यहाँ पे अलग अलग घटक होता है, यानी कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे वो कौशल करने के बाद। और वो क्या चीज़ें सीखनी है आपको, क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे सूक्ष्म पाठ्य योजना में, यहाँ पे प्रस्तावना कौशल में आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। इसी तरीके से अगर आप श्यामपट कौशल करेंगे तो उसमें कुछ अलग चीज़ों का ध्यान रखना होगा, व्याख्या कौशल करेंगे तो उसमें कुछ अलग चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे घटक का मतलब यही होता है। इसमें देखिए पहला पॉइंट है पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न। बच्चे कक्षा 6 में हैं, आप उनसे कक्षा 8-9 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो बच्चे अगर कक्षा 6 में, एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ कि क्लास 6 में है अगर बच्चे, तो उनसे अभी प्रश्न, उनको कितनी नॉलेज होगी, क्लास 5 तक पढ़े होंगे, तो क्लास 5 तक के लेवल का प्रश्न पूछिए। ऐसा नहीं कि उनको जिस क्लास में उससे ऊपर के लेवल का प्रश्न पूछिए। दूसरा है प्रश्नों एवं कथनों में क्रमबद्धता। यहाँ पे प्रस्तावना कौशल में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जैसे आपने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर बच्चे ने दिया, और उस उत्तर से आपको दूसरा प्रश्न बनाना है, फिर उसका उत्तर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनाना है, यानी क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगला यहाँ पे घटक है उचित साधनों का प्रयोग। आप कुछ न कुछ चार्ट पे बना के ले जाइए, मॉडल बना के ले जाइए, जिससे बच्चों को आप आकर्षित कर सकें पढ़ाई की तरफ, और उनको आसानी से उनसे प्रश्नों का आंसर निकलवा सकें। चौथा पॉइंट है छात्रों का ध्यान केंद्रीकरण। पढ़ाई कर रहे हैं आप, प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से, तो उनका ध्यान केंद्रीकरण हो सके, मतलब आपकी तरफ आकर्षित रहे। ऐसा ना हो कि आप पूछ रहे हैं प्रश्न, बच्चे बाहर की तरफ देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रश्नों की भाषा और प्रश्नों का आकार। प्रश्नों की जो भाषा होनी चाहिए वो बहुत सरल होना चाहिए, प्रश्नों का आकार जो होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आता है आपका प्रस्तावना कौशल का, यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे आप। इसमें भी दो बातों का ध्यान रखना होता है, क्रमबद्धता तो हो गया उसमें, उसके बाद कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ज़्यादातर कॉलेजेस में 5 प्रश्न पूछना होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों से अपने पहला प्रश्न पूछा, आकाश का रंग कैसा होता है, तो बच्चे बोलेंगे नीला होता है। यहाँ पे पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके आपने प्रश्न पूछा बच्चों से, छोटा सिंपल प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है नीला ग्रह कौन सा है। अब जैसे यहाँ पे नीला मिला, तो नीला से यहाँ पे नीला
ग्रह पूछ लिया अपने प्रश्न, तो बच्चे बोलेंगे नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है, बच्चे बोलेंगे मानव। चौथा प्रश्न फिर मानव से बनेगा, मानव जल का उपयोग खेतों में किस कार्य के लिए करता है, बच्चे बोलेंगे सिंचाई के लिए। फिर पाँचवा प्रश्न बन जाएगा सिंचाई की विधियों के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है, लेकिन यहाँ पे एक बार घटक में दिखा देता हूँ। देखिए पहले वाले में प्रश्न पूछा था आपने तो पूर्व ज्ञान का आधारित प्रश्न था, दूसरे में प्रश्नों की जो भाषा है बहुत सरल थी, उसके बाद पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न थे और प्रश्नों के और कथनों में क्रमबद्धता थी। तो ये घटक है, इसको कभी कभी क्या होता है कि पूरा नहीं लिखना होता तो जो नंबरिंग होती, जैसे पूर्व ज्ञान का प्रयोग पर आधारित प्रश्न एक नंबर पर था तो यहाँ पर सिंपल सा एक लिख देंगे। यहाँ पर इसमें आपने दो प्रयोग किया इस वाले में तो यहाँ पे एक और दो लिख देंगे, इस तरीके से आप लिख देते हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको अपना टॉपिक बताना होता है बच्चों को, से तो आपने प्रकरण निकलवा लिया लेकिन अब आपको टॉपिक बताना भी होता है कि बच्चों मैं आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे उद्देश्य कथन में देखिए बच्चों को बोलेंगे, प्रिय विद्यार्थियों आज हम सिंचाई की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको सिंचाई विधियों के बारे में बताने वाले हैं। अब यहाँ पे आपका प्रस्तावना कौशल खत्म हो गया, लेकिन आपको अगर फाइल बनी बनाई नहीं मिलती है प्रिंटेड फाइल तो मूल्यांकन सूची यहाँ पे अनुसूची बनानी होती है आपको। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्रम संख्या लिख लीजिए, घटक लिख लीजिए, जो भी ऊपर आपने घटक लिखा था, सर्वोत्तम, उत्तम, अच्छा, सामान्य और संतोषजनक, इसमें आपको इस तरीके से लिखना होता है। यहाँ पे क्या होता है आपने अगर सभी चीज़ों का प्रयोग किया है तो आपको सर्वोत्तम मिलेगा, उत्तम मिलेगा या फिर अच्छा मिल सकता है। अगर आप में कोई कमी होगी तो यहाँ पे सामान्य मिल जाएगा या फिर असंतोषजनक मिल जाएगा या संतोषजनक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न आपने पूछा था, अच्छा इसमें मिलेगा आपको, प्रश्नों में कथनों में क्रमबद्धता था इसमें भी आपको उत्तम या अच्छा मिलेगा, छात्रों का ध्यान केंद्रीकरण ये आपके ऊपर है कि उसमें आपने पढ़ाते समय आप लोगों ने कैसे ध्यान दिया था, बच्चों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित था कि नहीं था, तो उस समय उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अच्छा, खराब या फिर सामान्य मिलेगा। प्रश्नों की भाषा सरल थी ये भी अच्छा आपने प्रयोग किया था, प्रश्नों का आकार भी छोटा छोटा था ये भी आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आज का सूक्ष्म पाठ्यक्रम। नीचे देखिए लिखा गया है यहाँ पे हस्ताक्षर छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका और यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी, यहाँ पे जो कमियाँ होंगी आपके सूक्ष्म पाठ्यक्रम में यहाँ पे पर्यवेक्षक लिखेगा कि आपने क्या कमी की है, क्या अच्छे तरीके से क्या यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और लास्ट में यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर पर्यवेक्षक है, यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा, यहाँ पे आपके जो सहपाठी भी सूक्ष्म पाठ्यक्रम में आपका पर्यवेक्षण करते हैं वो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सूक्ष्म पाठ योजना। अगर आप लोगों को आज की सूक्ष्म पाठ योजना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को इसके अलावा किसी भी प्रकार का सूक्ष्म पाठ योजना चाहिए किसी भी विषय का, किसी भी कौशल के ऊपर, या फिर आपको किसी भी पाठ योजना की जरूरत है किसी भी क्लास का, किसी भी विषय का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक से दो दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाए, ठीक है। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।